वजह से हम कैपिटल हुए, आपकी वजह से बच्चे इस योग्य हुए कि हम पढ़ाए और हम जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट यू ऑल एंड दिस शुड बी नोन टू एवरीवन। ये यूपी का अभी तक का हाईएस्ट नंबर है, 715 नंबर आते हैं। हम लोग 2005 से पढ़ा रहे हैं, हर साल 3000 के आसपास बच्चे होते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल दूँ, बच्चा अरमान सिंह पटेल, वो भी चंदौली रहने वाला, हरसिवानंद का स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट, वो हमारे यहाँ 11th कोचिंग पढ़ने आया था सन 2009-10 में। 11th में आया, उसके क्लास में ऐसे बच्चे थे जो 96% पाए थे। एक लड़की सौम्या सिंह संजू भगवानपुर की 97.6% थी, वो भी पढ़ती थी। अरमान शुरू में फ्रस्ट्रेट था, उसको बुलाया, हमने बताया कि ये काम करो, ऐसे फॉलो करो, वो करता रहा। तीन चार महीने बाद वो बाकी बच्चों के पहले में आना खड़ा होगा, 11th खत्म होते होते पहले में खड़ा हो गया। और अल्टीमेटली 12th की बोर्ड में उसका 94% मार्क्स आया था, IIT में उसका 515 रैंक आया था और गेट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको सपोर्ट किया, दिल्ली गवर्नमेंट हमको बुलाई है, आज ही मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से कॉल आया है, श्रीमान दीपक अग्रवाल जी ने कॉल किया था, नागिन जी व्हाट रोल यू विल प्ले हियर। सो अगर हम रिजल्ट देते हैं, आपके स्कूल से रिजल्ट आता है, ये पूरी दुनिया में हम काम चलेगा। क्या हम लोग दिल करके बनारस में ऐसा इन्वायरमेंट कम से कम उन बच्चों के लिए क्रिएट कर सकते हैं आपके सहयोग से, जब हम हर साल पॉपर पैदा करें या कम से कम उस बच्चे का मैक्सिमम निकालें। बच्चों की डिमांड को पूरी नहीं करेंगे, बच्चों की भूख को पूरी नहीं करेंगे, गार्जियन की जरूरत को पूरी नहीं करेंगे, तो वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। आपके पास अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो कि IIT या मेडिकल में या NIT में सेलेक्ट होता हो और घर से गरीब हो, उसको पर एनम 40,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप एलुमनी कोचिंग दिलाती है। हम दिलाते हैं, मैंने पिछले साल 150 बच्चों को दिलाया था। तात्पर्य ऐसा कोई भी बच्चा हो जो इसके वक्त पैसे की दिक्कत हो और उसके NIT में IIT में या मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया हो और उसे घर की एनुअल इनकम कम हो, तो हम उसको पैसा दिलाएंगे। कब तक? जब तक वो ग्रेजुएशन करके सराहना और सिलेक्शन के बाद उनकी नौकरी भी लग पाए। और मेरा एक पर्सनल आग्रह है कि सर एक कंपनी कर दे। हम लोग पास शुरू में दो बच्चे आए थे, वो भी बड़ा खराब लगा था, तो इधर उधर से लेके आए, तो 12 बच्चे हुए, फिर 34 बच्चे हुए, फिर 110 हुए, फिर 300 समथिंग हुए, फिर 1100 हुए, फिर 3000 हुए, और उसके बाद ये 2009 की बात, एक साल का डिफरेंस लेके देख सकते हैं आप जो मैंने बताया मुझे रिकॉर्ड। और फिर वहीं पर स्टैंडिंग हो गया इसमें। रीज़न था एक लोकल न्यूज़पेपर कुछ कोचिंग वाले भी के इतना भयंकर जीवन खिलाया, 2.5 लाख कॉपीज बंटवा दिए बनारस में, 3 लाख कॉपीज ना, और एक कॉपी कितने रीडर्स को कवर करता है जानते हैं, 10-15 सेकंड में इधर उधर बातचीत करते हुए मल्टीप्लाई के लिए संख्या कितनी हो गई। जो पढ़ रहा था तीन गुना तीन गुना करके, और रूम था मिला जुला जो भी साजिश नहीं थी, और फिर लोगों का फेज खत्म हो गया। शायद पूर्वांचल से बिहार से लेके आ रहे हैं, तो यदि मैं JNP मेजा में पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है कि यहाँ का नहीं है? मेरे ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा ऑनलाइन चल रहा है, वहाँ पे वीडियो से बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। इस चैलेंज के नाम पे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मैसेज दें कि बच्चे बराबर होते हैं, उनसे रिजल्ट निकालें और उनसे बढ़िया निकालें। पहले तो मोदी जी अंदर की बात करना, इमेजिन करिए कि बच्चे वहां जाते हैं जहां रिजल्ट होता है, अच्छे बच्चे वहां जाते हैं जहां रिजल्ट होता है, और रिजल्ट तभी होगा जब अच्छे बच्चे आएंगे। एलेवन कितना सफर किया वो शुरू में, इमेजिन करिए, बच्चे अच्छे ना आए ना रिजल्ट हुआ, फिर क्या हुआ होगा? अब इमेजिन करिए हमने उनमें से बच्चों को निकाला होगा जो अच्छे बच्चे नहीं रहे होंगे, सो कॉल तथा कथित। मेरा वैसे मानना नहीं है कि बच्चे अच्छे नहीं होते, बच्चे सारे अच्छे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ
जर्नी ऑफ सक्सेस हम लोगों ने बनाया, मैं आपको दे दूंगा उसमें से एक एक रिजल्ट आपको बताऊंगा कि वो बच्चा कहाँ का है। और बता दूं जो रूमर फैला था 2009 और 10 में, तो हम लोगों को लगा कि खत्म हो गया, आपके सामने कितनी कोचिंग आई बंद हो गई, कितने स्कूल सफर कर रहे हैं, आपको ही पता होगा। तो जरूरत ये है कि आखिर क्या हुआ, तो सभी लोग डर गए कि अब तो गड़बड़ हो गया सर। मैं उनको बताया कि जिन बच्चों को सेलेक्ट करना है हम लोग, उनके जो पेरेंट्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, अड़ोस पड़ोस होगा, वो तो जानते होंगे सेलेक्ट है, उनके थ्रू बच्चे आएंगे। स्ट्रेंथ 3 गुना तो नहीं होगी कि लेकिन रुक जाएगा, वही हुआ 3000 स्ट्रेंथ थी उस समय, 3000 पे रुके हम, और वही चल रहा है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन्हें भेजते हैं और वही चल रहा है। जागो जागो सो न जाना, दूर है मंजिल तुम्हें पुकारे, साजिश किए हैं तुम्हें मिलाने कायनात के जासिका। क्या कहते हैं लोग यहाँ, अनसुना करो बस काम करो, थक गए अगर चलते तब ठहरो कुछ आराम करो, कांटों से राहें सजी हुई उसमें तो फूल खिलाता जा रहे, साजिश किए हैं तुम्हें मिलाने कायनात के जासिका। आज के डेट में कहीं ना कहीं बनारस में अपने आप में एक ऐसा स्थान पा चुकी है जिसके लिए किसी प्रचार प्रसार के हम विद्यालयों में आवश्यकता नहीं। बच्चे कहीं ना कहीं जान भी चुके हैं केवल है क्या, और कोई भी एक ऐसा जो भी कह दीजिए कि शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो चाहता भी है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसी कार्य को कोई और भी अच्छे ढंग से कर रहा है तो उसका सहयोग हम करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ।